इतना दावा मैं जरूर करता हूं आपको, इस दरबार में इतने बरसों से बाबा ने सेवा दी है, एक एक लाइन जो आप गाओगे वो खाली नहीं जाएगी, ये गारंटी है मेरी आपको। एक एक लाइन आपका जीवन सुधारने वाली होगी, बशर्ते कि आप कहीं और खोने के बजाय इन भजनों की लाइनों में बाबा को रिझाओ। तो जब कभी आपको दरकार पड़ेगी कोई नहीं आएगा, लेकिन खाटू वाला जरूर आएगा। इसलिए मिलकर बोलिएगा, हल्का सा आनो पड़सी सेठ सांवरा भक्त की अरदास है। अर्जी सुनकर आवे गो तू, अर्जी सुनकर आवे गो तू, अर्जी सुनकर सगला ने विश्वास है। आनो पड़सी सेठ सांवरा भगता की अरदास है। आनो पड़सी सेठ सांवरा भगत की अरदास है। अर्ज सुनकर आवे गो तू, अर्ज सुनकर आवे गो तू, सगला ने विश्वास है। आनो पड़सी सेठ सांवरा भगत की अरदास है। आनो पड़सी सेठ बनाने वाले की एक बार इनकी तालियां सुनने पड़े। सुन बाबा, जद जद मां जद जद कोई काम पड़े है, टाबर तेरा याद करे। तेरा याद करे, टाबर तेरा याद करे, मारे घर को मालिक है तू। अरे मारे घर को मालिक है तू, मारे घर मालिक है तू, थासु ही भर याद करे, थासु ही भर याद करे, थासु ही भर याद। कौन कौन भर याद करेगा, उठाकर हाथों को ये तालियां बजाकर। और न कोई माने सूझे, और न कोई माने सूझे, और न कोई माने सूझे, बस एक थारी आस है। आनो पड़सी सेठ सांवरा भक्त की अरदास है। आनो पड़सी सेठ सांवरा, जय जय। अरे क्या देखते हो सामने, कुछ भी न खास है। सांवरे
सांवरे, क्या देखते हो सामने, कुछ भी न खास है। नीचे जरा निहारिए, चरणों में दास है। जरा निहारिए, चरणों में दास है। सोनू पे कर करम जरा, सोनू पे कर करम जरा, नजरें मिलाइए। सेवक को अपने सांवरे यूं ना सताइए, सेवक को अपने सांवरे यूं ना सताइए। तालियां बजाओ। मुश्किल तो आएगी पर तुझको, मुश्किल तो आएगी पर तुझको कभी ना छूने पाएगी। ढाल खड़ा है बनके, भेद इसे ना कभी पाएगी। कवच कृपा का प्यारे, कवच कृपा का इनकी पहन ले प्यारे। श्याम भरोसे हो जा, श्याम भरोसे हो जा प्यार। बस यही हम नहीं हो पाते। बाबा 5 साल से खाटू जा रहे हैं। तालियां बजा। अरे पगले, तू खाटू गया ही इसलिए था कि मेरा काम बन जाए। तूने बाबा से कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। अपना बाप बना कराओ काम बनाने के लिए खाटू मत जाओ। अपना बाप बना कराओ काम, अपने आप बनेगा। श्याम भरोसे हो जा प्यारे, श्याम भरोसे हो जा प्यारे। ये सृष्टि के पालनहारे, ये सृष्टि के पालनहारे। श्याम भरोसे हो जा प्यारे, श्याम भरोसे हो जा प्यारे। दरबार में आए हो, एक चीज आज लेकर जाओ। कितना ही बड़ा तूफान सर पे खड़ा होगा, घबराएंगे नहीं। अपने दिल को कहेंगे श्याम है, आएगा। देरी होती है ना, उस समय क्या सोचना। एक सवाल आपसे पूछता हूं। आपके सामने 2 पेशेंट हैं, आपके सामने 2 पेशेंट हैं। एक की टांग टूटी हुई है और एक को हार्ट अटैक आया है। आपको अगर किसी पर ध्यान देना है तो पहले किस पर ध्यान दोगे? अरे जोर से बोलो ना, किस पर ध्यान दोगे? किसको पहले अस्पताल पहुंचाओगे? हाँ, हार्ट अटैक वाले को ना। टूटी टांग वाला मर नहीं जाएगा, हार्ट अटैक वाला मर जाएगा, है ना? तालियां बजाना। लेट हो रही हो ना तो समझ लेना, मेरी टांग टूटी हुई है और बाबा किसी हार्ट अटैक वाले को लेकर गया हुआ है। ये सृष्टि के पालनहारे, ये सृष्टि के पालनहारे। श्याम भरोसे हो जा प्यारे, श्याम भरोसे हो जा प्यारे। ये तालियां।
तालियां बजाकर। कृपा करने वाले की देर घनी मत करिए बाबा, धीरज छूटियो जावे। अर धीरज छूटियो जावे, बेगो बेगो अब तो आजा, बेगो बेगो अब तो आजा। मन मारो घबरावे, मन मारो घबरावे, मन मारो घबरावे। दुनिया की तो जानू कोन्या, दुनिया की तो जानू कोन्या, तू तुम्हारो खास है। अनो पड़सी सेठ सांवरा भक्ता की अरदास है, अनो पड़सी सेठ सांवरा। किसका किसका खास है, किसका किसका खाटू वाला के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ये तालियां बजाकर हमें तो जो भी दिया श्याम बाबा ने दिया, हमें तो जो भी दिया श्याम बाबा ने दिया। हमेशा आपके हाथों से सर झुका के लिया, हमेशा आपके हाथों से सर झुका के लिया। हमें तो जो भी दिया श्याम बाबा ने दिया, हमें तो जो भी दिया श्याम बाबा ने दिया। और क्या कहा, एक थारे आने से बाबा सगला संकट कट जासी, सगला संकट कट जासी। अटकी नैया चाल पड़ेगी, अटकी नहीं सो दो मारो फट जासी, सो दो मारो फट जासी, सो दो मारो फट जासी। मारे तो सुख दुख की दवाई, मारे तो सुख दुख की दवाई। बाबा थारे पास है, आनो पड़सी सेठ सांवरा भक्त की अरदास है, आनो पड़सी सेठ सांवरा भक्त। देखो भजन खत्म हो गए, जिसने अर्जी लगानी है वो गाना, जिसको नहीं लगानी वो भले ही मत गाना। तालियों की आवाज आनी चाहिए, पूरी ताकत से बोलना। आनो पड़सी सेठ सांवरा भक्त की अरदास है, अर्ज सुनकर आवे गो तू, अर्ज सुनकर आवे गो तू। सगला ने विश्वास है, आनो पड़सी सेठ सांवरा भक्त की अरदास है, आनो पड़सी सेठ सांवरा। बोलिए अर्जी सुनने वाले की, बोलिए खाटू नरेश की। हेलो हेलो, ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूं ना, ये भजन जब प्रेमी खाटू में धर्मशाला से या होटल से निकलकर लाइनों में लगता है और मंदिर में दर्शन करके बाहर निकलता है और अपने घर पहुंचता है, इस पीरियड के अंदर का भजन है ये। ये प्रेमी के भाव हैं। देखिए मैं निवेदन करूंगा, दरबार में बैठकर अगर आप बात करना चाह रहे हैं
तो बाहर बहुत जगह है, दरबार में बैठकर कृपया बात ना करें। प्रेमी क्या कहता है? देखा है सौ सौ बार दर्शन करते करते दे, देखो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इसके बाद नहीं बोलूंगा। अगर आपकी डिमांड छोटी है या आप पर कृपा जो हुई है वो छोटी है तो भले ही बिल्कुल धीरे धीरे गाओ, लेकिन आपने कभी बाबा से खूब मांगा और बाबा ने जितना मांगा उससे कई हजार गुना दिया, तो उस कृपा के मुताबिक गाओ बाबा के दरबार में। ऐसा नहीं चलेगा भाई कि डिमांड बड़ी और देते समय आपके पास कुछ नहीं है। कुछ भी चढ़ाने की कोशिश करना, लेगा कि नहीं लेगा गारंटी नहीं है, लेकिन भजन चढ़ाओगे तो कसम खाटू वाले की, नहीं भी इच्छा होगी तो भी लेगा, क्योंकि ये भजनों का बाबा है, ये भजनों से रीझता है, इतिहास गवाह है। भजन सुनाकर आप कुछ भी काम बनवा सकते हैं इससे। इसलिए याद करना कि आप खाटू के दरबार में लाइन में लगे, आप जब अपने घर से निकले तो क्या क्या सोच कर निकले थे और वहां पहुंचे तो क्या हुआ। देखा है सौ सौ बार दर्शन करते करते, बोलो देखा है सौ सौ बार दर्शन करते करते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते, देखा है सौ सौ बार दर्शन करते करते, आंसू ये छलक पड़ते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते। किसके किसके आंखों में आए बाबा को देखकर, ये तालियां बजाकर आंसू पहुंचने वाले की, तालियां बजाओ। अब प्रेमी क्या कहता है? मैं सोच के जाता हूं अर्जी लगाऊंगा मेरे श्याम, बोलो मैं सोच के जाता हूं। होता है ऐसा, होता है, ये तालियां बजाकर बोलो, मैं सोच के जाता हूं अर्जी मन की सारी बातें बाबा को बताऊंगा, बोलो मन की सारी बातें बाबा को बताऊंगा। हाथ उठा लेना, लेकिन क्या होता है, होता क्या है? कई सपने बुने मैंने चले
करते कई सपने बुने मैंने पैदल चलते चलते नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते होता है ना लाइन में होता है ना कई ख्याल आते हैं ये कहूंगा तालियां बजाना प्रेमियों आगे क्या है तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभुवर हम तुम्हारे ही रहेंगे कौन कौन बाबा का रहेगा कौन कौन क्या बोलोगे जय जय श्याम 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 मंदिर में प्रवेश कर गए तालियां बजाना यहां पर बैठ कर एहसास करना विश्वास दिलाता हूं आप खाटू के मंदिर में होगे तालियां बजाकर दर्शन करके जब मैं दर से बाहर आता मेरे श्याम बोलो दर्शन करके जब मैं दर से बाहर आता बोलो हर आता तेरे सामने बाबा क्यों कुछ बोल नहीं पाता तेरे सामने बाबा क्यों कुछ बोल नहीं पाता होता है ऐसा ही होता है क्या बोल पाते हो तालियां बजाओ ना तेरे सामने बाबा क्यों कुछ बोल नहीं पाता तेरे सामने बाबा क्यों कुछ बोल नहीं पाता बिन अर्जी बताए ही आगे बढ़ते रहते बिन अर्जी बताए ही आगे बढ़ते रहते नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते तालियां बजाकर जय हो क्या बात है
खाटू कौन कौन गया है? ऊंचे रखना हाथ, नीचे मत करना। खाटू नहीं गए, तालियां बजा कर क्या बोलना। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। बोलो 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 बोलो। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। अपने न बने अपने, अपने न बने अपने, इसने पकड़ा हाथ मेरा। अपने न बने अपने, इसने पकड़ा हाथ मेरा। जब से खाटू आया, खाटू वाला बना मेरा। हाथों से तालियां बजाकर किसका काम नहीं बनता बताऊं? जो दरबार में बैठकर फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है, उसका काम नहीं बनता है प्रेमियों। लेकिन जो दरबार में बैठकर कीर्तन करता है, तालियां बजाता है, जयकार लगाता है, कसम खाटू वाले की, उसका काम नहीं अटकता। किसको किसको भरोसा है हाथ उठाकर ये तालियां बजाकर? दर्शन पाकर भी मैं बाबा ना काम हुआ मेरे श्याम। बोलो। दर्शन पाकर भी मैं बाबा ना काम हुआ। इस समय प्रेमी के हालात वैसे ही है जैसे सुदामा जी के थे। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से, अपने मित्र से मिलकर बाहर निकले, तो उनके मन में भी यही आया कि मैं नहीं आया था, पत्नी के बार बार बोलने पर आया। मेरा मित्र मुझे लेने तो आया, नंगे पांव आया, अपने सिंहासन पर बिठाया, मेरे चरणों में बैठ गया, अपने आंसुओं से मेरे चरण पखारे। लेकिन न भगवान ने पूछा कि मित्र तू क्यों आया है, न मित्र ने बोला कि भगवान मैं क्यों आया। वो प्रेमी सोचता है दर्शन तो मिल गए, लेकिन मैं अपनी बात तो नहीं सुना सका बाबा को। दर्शन पाकर भी मैं लेकिन उसे क्या मालूम था, इसके दरबार में जाने वालों को मांगने की दरकार नहीं है, कहने की दरकार नहीं है। हम घर से निकलते हैं उसी वक्त इसको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। उस प्रेमी के साथ क्या हुआ? घर आने से पहले पूरा हुआ। कहे श्याम बिना बोले सबकी झोली भरते, कहे श्याम बिना बोले सबकी झोली भरते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते, नैनों से नैन मिले
आंसू ये छलक पड़ते। समझ में आया भजन मेरे? श्याम के दर की सच्चाई समझ में आई? इस दरबार में जाओ तो ये मत सोचना कि आपने बाबा को देखा है कि नहीं देखा। आपके देख लेने से कुछ नहीं होगा, होगा तो तब जब ये आपको देख लेगा। उस दरबार में लाइन में लगना, मंदिर की चौखट पर कदम रखना, एक ही भाव लेकर बाबा मैं आपको देख पाऊं ना पाऊं, आप एक नजर उठाकर देख लेना, इस पापी पर कृपा हो जाएगी, इसका जीवन सुधर जाएगा। देखा है सौ सौ बार दर्शन करते करते, बोलो देखा है सौ सौ बार दर्शन करते करते, नैनों से नैन मिले। ओ नैनों आंसू ये छलक पड़ते। बोल सांचे, ये जयकारा वो नहीं है कि कभी बाबा को देखकर आपकी आंखें छलकी हो। जिनकी छलकी है वो बुलंद आवाज में हारे के सहारे की। हेलो ए भाई, एक मिनट ए भाई, हेलो। नहीं नहीं सुन सुन, नहीं जबरदस्ती नहीं। अरे भाई साहब शांति रखो ना यार, प्लीज। पता है कितने बज रहे हैं? 3:30। आप अपने आप को किस्मत वाला मानना कि 3:30 बजे आप दरबार में बैठे हो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो प्राय हर कीर्तन में आते होंगे, और आपने देखा होगा कि मुझे हमेशा सुबह कीर्तन मिलता है, लेकिन मुझे कभी भी दर्द नहीं होता। मुझे खुशी होती है कि इस समय बाबा, इस समय सत्संग करने वाले को भगवान जरूर मिलता है। एक बात बताओ ना, एक माँ के लिए अगर उसके 10 बच्चे हैं ना तो 10 बराबर है, लेकिन एक बात जरूर बताऊं, एक बच्चा जो है ना वो 2400 घंटे माँ 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 करता रहता है, और माँ की चिंता में खोया रहता है ना, तो माँ का थोड़ा सा भाव जो है ना उसके प्रति कुछ अलग होता है कि ये मेरा 10 बच्चों में सबसे खास है। आशीर्वाद देने में कमी नहीं करती, वो 10ों को आशीर्वाद बराबर देती है, लेकिन जो दिल से आशीष निकलती है ना वो उस बच्चे के लिए कुछ अलग निकलती है। दिल्ली की आबादी कितनी है? 2.5 करोड़, 3 करोड़। कितने लोग यहां पर बैठे हैं? 400-500। बाकी सब सो रहे हैं। शाम को नहीं दिखता, शाम को नहीं दिखता कि ये मेरे लिए जग रहे हैं, तो शाम कुछ अलग नहीं देगा इस आप लोगों को? मेरा लॉजिक गलत हो तो तमाचा मार देना, दुनिया के किसी भी संत से जाकर पूछ लेना, दुनिया के किसी भी संत से कि इस समय किया गया सत्संग भगवत प्राप्ति होती है, चाहे आप किसी भी देवी देवता को मनाइए। एक वक्त था प्रेमियों, 1996 मेरे पिता को हार्ट अटैक आया और मेरे पॉकेट में कुछ नहीं था,
हॉस्पिटल लेकर गया, उनको 10,000 रुपये थे। बाबा से यही कहा, बाबा किसी से मांगने नहीं पड़े और पिता भी चाहिए। डॉक्टर ने 72 घंटे का समय दिया। मैं रात को 3 बजे घर आया, नहा धोकर अखंड ज्योति पाठ का किताब लेकर बैठ गया। कहा, बाबा मेरा डॉक्टर तू है, ना मेरे पास पैसे और ना मेरी कोई जैक, ना कोई जान पहचान कि मैं किसी बड़े डॉक्टर को दिखा सकूं। मैंने 3 बजे उठकर नहा धोकर बाबा का पाठ किया और महाराज की कृपा हो गई। 10,000 में 7,000 खर्चा लग गया, पिताजी घर आ गए और आज तक उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे सिर पर है। इस समय कीर्तन किया हुआ मालूम है, पता नहीं कौन सा आपका काम अटका हुआ हो वो बना देगा। इसलिए मैं आप लोगों को रोकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। एक बाबा का एकदम पक्का भगत था, उसने देखा कि कोई परेशान है, वो गया उसके पास। उसने देखा कि कोई परेशान है, हारा हुआ है। उससे पूछा, क्यों परेशान है? बोला, बस इतना परेशान हूं कि सब जगह से हार गया हूं। उस श्याम प्रेमी ने उसे कहा, खाटू चला जा। उसने पूछा, खाटू में क्या है? बोला, खाटू में जीवन बदलने वाला बाबा है। है? है? तो बोला, भाई बाबा के दरबार में क्या करना पड़ता है, क्या लेकर जाऊं? उसने कह दिया, चूरमा ले जा। अब उसके मन में आया कि चूरमा से बाबा को पटा लूंगा। अब वो कट्टा भरकर चूरमा ले गया, चूरमा चढ़ाकर आ गया, वही का वही परेशान। उसने देखा कि चूरमे की दुकान पर मेवा भी बिक रहा था और बहुत सारे भक्त मेवा भी खरीद रहे थे। अब की बार वो गया, बोला, चूरमे से नहीं रीजेगा, मेवे से रीज जाएगा। मोकड़ा सा मेवा ले गया, चढ़ाकर आ गया, फिर वही परेशान का परेशान। दिमाग में आया कि केसरिया पेड़ा भी तो था वहां पर, अब की बार गया तो केसरिया पेड़ा लेकर चला गया। लेकिन वहां से आने के बाद कोई हालात में बदलाव नहीं हुए, सिर पकड़ के बैठ गया। अब की बार उसके मन ने कहा कि बस आखिरी बार जाऊंगा और अब की बार कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, कुछ नहीं ले गया और गया बाबा के चरणों में, माथा टेका, सामने खड़ा हुआ। आज उसके हाथ फ्री थे, सामने खड़ा हुआ, आंखें बातें करने लगी। बातें क्या करने की लगी? आंखें बरसने लगी। बाहर आया, बाहर आते ही टेलीफोन आ गया, काम बन गया। ये सच्चाई है प्रेमियों। अब उस पर कृपा हो गई। अब वो महीने में एक बार तो जाता ही था, कभी कभी और मन करता था तो दौड़कर चला जाता था। उसे भी कोई हारा हुआ मिला, उसने भी वही काम किया जो उसे पहले श्याम प्रेमी ने किया था। उसके कंधे पर जाकर हाथ रखा, भाई क्यों परेशान है? बोला, बस परेशान हूं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। बोला, जिंदगी जो देता है वहां चला जा। कहां जाऊं? खाटू चला जा। लेकिन उसने उसको कहा, खाटू तो जाना, लेकिन जो गलती मैंने की वो गलती तू मत करना। मैंने सोचा था बाबा चूरमा से रीत जाएगा, चूरमा से मना लूंगा। मैंने सोचा कि मेवे से मना लूंगा, मैंने सोचा कि 56 भोग से मना लूंगा। लेकिन एक्चुअल में जिस चीज से मानता है वो चीज अगर तू कर देगा तो मेरा जीवन बदला, तेरा भी बदल देगा।
अब मैं ये नहीं कहूंगा कि चूरमा नहीं लेकर जाना, चूरमा लेकर जाओ, मेवा लेकर जाओ, लेकिन वहां जाकर जो ये चढ़ाने के लिए बोल रहा है ना, वो जरूर चढ़ा कर आना। चूरमा लाकर अड़ोसी पड़ोसी को बांटना कि बाबा का प्रसाद है, जो खाएगा उसका काम बनेगा, आपका कमीशन आपके बैंक में ऑलरेडी आ जाएगा बाबा की कृपा से। अब उसने उस प्रेमी को क्या कहा, मैं निवेदन करूंगा, सुनना और सुन के गाना प्रेमियों। भाव का दो आंसू ओ, भाव का दो आंसू तू चढ़ा के देख ले, बोलो भाव का दो आंसू तू चढ़ा के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले, भाव का दो आंसू तू चढ़ा के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले। कौन कौन सुनाएगा, हाथों को उठाकर एक साथ तालियां बजाकर। भाव का दो आंसू तू चढ़ा के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले, सुन सी सांवरो सुना के देख ले। तालियां बजानी पड़ेगी। भजन गा रहा है उस मालिक की जो सारी दुनिया को नौकर बना कर रखता है। सुनो कितनी बड़ी बात लिखी लिखने वाले ने, मायत को भी मायत है, मायत माने माता पिता पालने वाले, मायत को भी मायत है यो सेठ सांवरो, और मायत के जो बस में ना वो इनसे मांग ले। यहाँ पर 95% लोग, बल्कि 99% लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके माता पिता ने संघर्ष किया होगा, जिन्होंने संघर्ष किया होगा। एकाध परसेंट ऐसे होंगे
जो कि सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए होंगे ओम प्रकाश जी सहरावत जैसे। किले के किले हैं भाई, हरियाणा में अपने बचपन में जाना, मैं कोई भी बात फॉल्स नहीं बोलता, जो मैंने महसूस किया वो बोल रहा हूं। आप भी अपने बचपन में जाना, जब आप 5 साल के थे, 7 साल के थे, 10 साल के थे, जब आपको पैसा कैसे कमाया जाता है इसका नहीं मालूम था, आपको 500 रुपए की वैल्यू नहीं मालूम थी, आपको 5 रुपए की वैल्यू नहीं मालूम थी। आपके पिताजी जब घर से निकलते थे तो आप कभी फरमाइश कर देते थे कि पापा रात को आना तो ये लेकर आना, और आपको नहीं मालूम था कि जो आपने बाप से मांगा है उसकी औकात नहीं है, इस बार तो क्या वो अगले महीने भी आपको लाकर नहीं दे सकता, लेकिन आप इंतजार में कि पापा आएंगे और रात को वो सामान लेकर आएंगे, लेकिन वो मजबूर बाप रात को खाली हाथ आया। उसने आपने पूछा पापा नहीं लाए, उसने आपके सिर पर हाथ फिरा कर झूठ कह दिया, बेटा आज वो दुकान नहीं मिली, आज दुकान नहीं खुली थी, कल ले आऊंगा, कल फिर कोई और बहाना मार दिया। मैं तो 2-4 मिनट रूस गया, माँ से कहा रोटी नहीं खाऊंगा, माँ ने भुला भुसला कर पुचकार कर रोटी खिलाकर सुला दिया, लेकिन वो जन्म देने वाला बाप सारी रात नहीं सोया। उसका तकिया सारी रात गीला रहा, उसका अंदर कचोट रहा था कि आज मैं अपनी औलाद का, आज मैं अपनी औलाद की इच्छा पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उस बाप के पास में एक लिमिट थी। लेकिन ये दुनिया का बाप, ये जगत पालने वाला बाप, इसके पास कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड कृपा कर सकता है। इसीलिए कहा मायत को यो मायत, मायत को भी मायत है यो सेठ सांवरो, मायत के जो बस में ना वो इनसे मांग लो, के जो बस में ना वो इनसे मांग लो, मायत के जो बस में ना वो इनसे मांग लो, मायत के जो बस में ना वो इनसे मांग लो। अब एक काम करना, जिसके पास झोली है फैला लेना, पल्लो अपनों सामने हो, पल्लो अपनों सामने फैला के देख ले, सुन से सांवरो सुना के देख ले, पल्लो अपनों सामने फैला के देख ले, सुन से सांवरो सुना के देख ले, किसको किसको भरोसा है सुनवाई होगी, ये हाथों को उठाकर तालियां बजाकर, एक दो तीन चार। दर पे आ गया हूँ आना तो काम था मेरा, तेरे दर पे आ गया हूँ आना तो काम था मेरा, अब मुझको श्याम संभालो आगे का काम है तेरा, अब मुझको श्याम संभालो आगे का काम है तेरा।
चार बजे अगर कोई दरबार में बैठा है ना, अगर नट देता तो आप नहीं बैठते, है ना। तालियां बजाकर बोलना। एक तो बता दो जिन बाबो नाट्यो है, सावरो सदाही सेन खूब बाट्यो 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 है। क्या करना, हाथ उठा लो, तालियां बजा कर। देख बाबा चार बजे कितने हाथ उठकर तालियां बजा रहे। तू भी माथो द्वार पे, ओ तू भी माथो द्वार पे टिका के देख ले, सुनसी सुनसी सावरो सुना के देख ले, तू भी माथो द्वार पे टिका के देख ले, सुनसी सावरो सुना के देख ले। फरियाद सुनने वाले की ए ताली बजा। सावरे के मौज उड़ा, अरे बजाओ ना तालियां। सावरे शाम पे कमल विश्वास बढ़ा, अर शाम पे कमल विश्वास बढ़ा, शाम पे कमल विश्वास बढ़ा, कैसे सांवरने डोर तू, ओ सांवरने डोर तू थमा के देख ले, सुनसी सांवरो सुना के देख। सुनो पतंग उड़ाते हो, कौन सा मांझा लाते हो, एक नंबर है ना, ताकि मैं जिसको भी ढील दूं वो भी कट जाए और जिसको खींचूं वो भी कट जाए। तालियां बजाना। शाम को डोर थमा देना, आपका मांझा सबसे कमजोर होगा, कांच नहीं होगा उसमें, सीधा सिंपल सिंगल धागा होगा, लेकिन कसम श्याम की कोई कितनी ही बड़ी तोप आ जाए, ढील भी देगा तो कटेगा और टानेगा भी तो कटेगा, क्योंकि उस जीवन की पतंग जो है ना वो श्याम के हाथों में होगी, उसकी डोर श्याम के हाथों में होगी। उठाओ हाथों को, कौन कौन सरेंडर करेगा बाबा के सामने में, जोरदार आवाज लगा कर बोलना। सांवरने डोर तू, ओ सांवरने डोर तू थमा के देख ले, सुनसे सांवरो सुना के देख ले, सुनसे सांवरो सुना के देख ले, अरे सुनसे सांवरो सुना के देख ले। सुनसी सांवरो सुना के देख ले, सुनसी सांवरो सुना के देख ले, भाव का दो आंसू तू चढ़ा के देख ले। क्या होगा, सुनसी ओ सुनसी सांवरो
सुना के देख ले। बोल खाटू नहीं, ये कृपा के हिसाब से जयकारा नहीं है, लख दातार की। ये भाई जा रहा है, पांव में दर्द हो गया। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पता है? ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पता है? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने झुकना बंद कर दिया। मैं कहीं भी गलत नहीं बोल रहा हूं, दिमाग लगा कर देखना। अभी इसी दरबार के अंदर में आपको 75 साल की जो औरत बैठी होगी ना, माता बैठी होगी ना, उसको देख लेना। वो बार बार ऐसे 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 नहीं कर रही होगी। और 25 साल वाले बैठे देख, वो बैठा हुआ, वो ऐसे। पता है क्यों? क्योंकि झुकना बंद कर दिया। पहले माताएं बहने, आंटी जी जा रहे हो, दीदी दीदी जा रहे हो, पहले क्या होता? नहीं देखो, जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। कल का काम आप करोगे तो जाओ, और आपको भरोसा है कि बाबा करवा देगा तो बैठ जाओ। आपके लिए भी है, पचास साल पहले क्या होता था पता है? 40 साल पहले, 35 साल पहले। ये इधर से बहुत आवाज आ रही है, कौन आवाज कर रहा है भाई? क्यों बात कर रहे हो? पहले ना पांव दबाते थे यहां घुटनों से लेकर नीचे तक 4-5 बार। उनको आज भी जाकर देखना, उनके पांव में दर्द नहीं होता। अब आज के बच्चे कोई भी आता ना बस ऐसे, अरे भगवान ने ये दिया ना, इसमें ऑयल डाला था, इसका यूज नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे ना तो 40 साल की उम्र में अहमदाबाद में घुटने बदलवाओगे, 8 लाख 10 लाख वहां देकर आओगे। और पता है झुकने वाले को आशीर्वाद मिलता है प्रेमियों, झुकने वाले को आशीर्वाद मिलता है। अगर आज भी इस दरबार से कुछ लेकर जाना चाहते हो तो ये लेके आज नया नियम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल से तुम्हारे घर में कोई भी बड़ा आए, कोई भी बड़ा आए, उसे ऐसे प्रणाम मत कीजिए, उसके दोनों पांव को झुककर, पंजों को छूकर उनको आशीर्वाद लीजिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और आपके बॉडी के जितने भी भगवान ने ये मैकेनिज्म जो बनाया है ना, वो हमेशा चालू रहेगी। बोलिए सांचे दरबार। खाटू कौन कौन नहीं? एक बार खाटू जाकर आओ, एक बार बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे दूंगा, जिंदगी बदल जाएगी। और पगले आपके यहां से तो बहुत साधन है, गुड़गांव से ट्रेन छूटती है 3-3.5 4 घंटे में रिंगस उतार देगी। अब की बार बाबा का जन्मदिन है 23 तारीख को, सुनो मेरी बात सुनो, चमत्कार देखना है। 23 तारीख को सारे काम धाम छोड़कर बाबा के नाम कर दो, 23 नवंबर बाबा का जन्मदिन है। ट्रेन सब निकलती है, यहां से पूछ लेना किसी से भी, खाटू पहुंच जाना, बाबा के दर्शन करना, और रात को किसी भी धर्मशाला में कीर्तन होगा, सारी रात उस कीर्तन में बैठ जाना, और सुबह फिर 7-7:30 बजे रिंगस से दिल्ली की ट्रेन मिलेगी, 12 बजे पहुंच जाओगे।
महाराज जी का महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की, सीताराम जी हनुमान जी की। अब 8-10 हाथ उठेगी, खाटू नहीं गए, बाकी तो गए हो, जाकर बोलते हो बाबा कृपा करना, बोलते हो ना, कौन कौन बोलता है? अब नहीं बोलना, अब ये बात मत बोलना मंदिर में जाकर कि बाबा कृपा कर दे, किसी भी मंदिर में जाकर। महाराज जी बैठे हैं, मैं अगर गुस्ताखी करूं तो महाराज जी मुझे समझाइएगा, इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं। अगर किसी भी मंदिर में आप गए तो वहां जाकर ये मत बोलना कि बाबा कृपा कर दे, क्यों? मैं खाटू से शुरू कर रहा हूं, खाटू की बात बता रहा हूं। आप किसी भी मंदिर में जाइए, खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या है, बोलो बोलो खाटू। आप क्या सोचते हो कि आप किसी भी मंदिर में जाते तो आप जाते हो? आप नहीं जाते हो, आप लाए जाते हो, आप बुलाए जाते हो। मैंने ऐसा देखा है दरबार में, करीब करीब 20-22 साल पहले की बात है, खाटू में मेले की टाइम थी, फागुन का मेला था, एक कोई पति पत्नी आए कला भवन में और उनके साथ उनकी कोई रिश्तेदार होगी, एजेड थी, व्हील चेयर पर थी। उन लोगों ने कहा कि इनको लेकर आना पड़ा, बोलकर हमें दर्शनों की प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये हमारे साथ नहीं होती तो हमें 2 मिनट में दर्शन हो जाते। व्हील चेयर पर अलग व्यवस्था मंदिर में होती है, माता जी को व्हील चेयर पर किसी दूसरे गार्ड को देकर भेजा गया और पति पत्नी दूसरे रास्ते से गए। पति पत्नी मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, पहली सीढ़ी पर कदम रखा, कोई टेलीफोन ऐसा आ गया कि ऊपर नहीं चढ़ सके, दौड़कर वापिस आना पड़ा। जब तक कला भवन में आए तब तक माता जी जो कि व्हील चेयर पर थी वो दर्शन करके बाबा के खाटू से वापिस आ गई। बिना इनकी मर्जी के आप सोचोगे कि आप बाबा का दर्शन कर लो, हो नहीं सकता। पर अगर आपको खाटू बुला लिया, एक बात और ध्यान में रखना, अगर आपको खाटू बुलाता है बाबा तो आप ये समझना कि बाबा आपसे नाराज नहीं है। अगर अपने दरबार में बुला रहे हैं तो समझना नाराज नहीं है, क्योंकि जिससे नाराज आप, अगर किसी से नाराज होगे तो आप उसको अपने घर में नहीं बुलाओगे। बुलाओगे जिसके आपके नहीं बनती होगी, आप उसको निमंत्रण दोगे? नहीं दोगे ना। तो आप तो अपने खास को बुलाते हो अपने किसी भी शुभ कार्य में, लेकिन ये अपने खासम खास को बुलाता है ना। कौन कौन बाबा का खास है, कौन कौन? हाथ उठाना और मिलकर तालियां बजाकर बोलना, खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या है, अब तक निभा कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है
ये तालियां ये बजाकर। कोई साथ दे या ना दे तूने दिया सहारा, बोलो साथ दे या ना दे श्याम तूने दिया सहारा। किस किस को दिया सहारा? कोई साथ दे या ना दे तूने दिया सहारा, महसूस होता सिर पे बस हाथ है हमारा, महसूस होता सिर पे बस हाथ है तुम्हारा। अब भी फिरा रहा तो क्या है, खाट बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है, खाट बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या। जिन पर कृपा है हाथ उठाकर तालियां बजाकर। कहते थे सारे मुझको डूबेगी मेरी नैया, बोलो पर उनको क्या पता था बन जाएगा खिवैया, कुछ नहीं कर पाएगा। उनको क्या पता है भजन गाने वाले के लिए इसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। पर उनको क्या पता था बन जाएगा खिवैया, पर उनको क्या पता था। अरे उनको तो छोड़ो, मुझको खुद नहीं पता था। 1984 में क्लास 9 में था मैं, स्कूल टूर अनाउंसमेंट हुआ दिल्ली का, 2000 रुपये आना जाना खाना रहना सब कुछ, उस समय 2000 नहीं थे हमारे पास। डरते डरते पिताजी को बोला, 3 महीने का टाइम था, पिताजी ने 3 महीने में बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ कर 2000 रुपये दिए, लेकिन जिस दिन टूर निकलना था उस दिन ट्रांजिस्टर बम कांड हुआ दिल्ली में, टूर कैंसिल हो गया। बहुत रोया, अब कभी दिल्ली नहीं देख पाऊंगा। उस समय श्याम नहीं मिला था, लेकिन मुझे क्या पता था श्याम इतनी कृपा कर देगा कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हवा में, दिन का लंच हवा में, रात का डिनर हवा में, और एक्स्ट्रा डिनर रात को 2-3 बजे भी हवा में करा देता है मेरा बाबा। पर मुझको क्या पता था बन जाएगा खिवैया, पर मुझको क्या पता था बन जाएगा खिवैया। एक बार चलाकर छोड़ नहीं दी, अब भी चला रहा है,
ओम भाई, दरबार में झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलूं तो जो सजा बाबा दे मुझे दे। जिस दिन कल के काम की कोई प्लानिंग करता हूं ना, वो काम फेल हो जाता है। अंदर से आवाज आती है, कर लेगा, चला लेगा तू अपनी नैया। भूल गया वो दिन, तेरे नाम डूब गई थी, मैंने निकाल कर बाहर किया और चलाई ना। अपनी नाव खुद चलाने की कोशिश करेगा, डूब जाएगी, मत चलाना। तेरी नाव मैं चलाऊंगा। तुझे नाव चलाने का शौक है, किसी हारे हुए का हाथ पकड़कर उसे पार करा देना। उसकी भी नाव संभाल लूंगा और तेरी भी संभाल लूंगा। अब भी चला रहा है, अब भी कृपा नहीं तो क्या है, खाट बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है, खाट बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या मुझको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं, मुझको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं। लेकिन एक बात जान लेना बाबा, तेरे बिना और ना दूजा अब हमारा है, तेरे बिन अब हमारा है। ओ जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। कौन कौन मानता है, कौन कौन मानता है इस दरबार के है? अरे मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। बोलो 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 बोलो। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है, भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। पर वो कभी ना डरे, बोलो बोलो, कभी ना डरे जिन साथ तुम्हारा है। श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। किसको किसको सहारा है, किसको किसको बाबा का सहारा है, मिलकर बोलना क्या। तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा, तेरे भक्तों को बाबा, तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। श्याम तेरे भक्तों को, ये हा।
मोहब्बत से भी तूने लाखों गुना दिया है। बोलो मैं हमेशा कीर्तनों में ओम प्रकाश सेराव जी से बोलता हूं, सेराव जी आप क्या बेचते हो यार। आज एक और बंदा शिवराज जी सेरावत जी के जैसा खड़ा है गर्ग साहब, मैं इनसे ही पूछता हूँ आप बेचते क्या हो भाई, भजन नहीं गाते, भजन नहीं लिखते है, फिर भी गांव आपको हिंदुस्तान के कोने कोने से इनवाइट करता है, आपको काठमांडू से इनवाइट किया, बताओ आप बेच क्या रहे हो, ऐसा क्या है आप में, कौन से सुरखाब के पर आप में लगे है, आपको क्यों बुलाती है भाई दुनिया है, कृपा है ना। उसके बाद भी अगर सेरावत जी जाके मंदिर में बोले बाबा कृपा कर, बाबा बोलेगा इसको तो शांति नहीं है यार। बोलो गर्ग साहब कृपा में कमी है, कुछ और चाहिए। औकात से भी तूने लाखों गुना दिया है, मिली श्याम को जो सेवा तेरा ये शुक्रिया है, मिली अब तक गवा रहा है, अब तक कृपा नहीं तो क्या है, अब तक गवा रहा है कृपा नहीं तो क्या है। अब तक निभा रहा है, अब तक कृपा नहीं तो क्या। बस बस सुनो सुनो प्रेमी सुन लो, अब चाम का कोई भूखा नहीं है, आपके सगे घर वाले भी आपके चाम के भूखे नहीं है, आज के जमाने में बता देता हूं, कल काम पर नहीं जाओगे माँ पूछेगी, बीवी पूछेगी, बच्चे पूछेंगे क्या हो गया, तबीयत खराब है, चाय लेकर आएंगे दौड़कर, खाना सब कुछ लेकर आएंगे, एक दिन दो दिन पांच दिन, लेकिन आप सोचोगे कि मैं घर में ही पड़ा रहूं ना तो 10 दिन बाद क्या हालत होगी मालूम है, घर वाले रोटी तो डालेंगे ही, लेकिन आपसे अच्छे तरीके से पालतू कुत्ते को रोटी डालते हैं, ईमानदारी से दिल से बता रहा हूं, नहीं निभाएंगे घर वाले भी, उनकी नजर में आपकी कोई कदर नहीं रह जाएगी, पालतू कुत्ते की तरह, बल्कि कुत्ते को भी प्यार मिलेगा आपको नहीं मिलेगा प्रेमी महाराज बैठे, गलत बोलूं तो बोल दो, लेकिन इनकी कृपा देखो, सुर नहीं है मेरे पास, मुझे सा का नहीं पता, सलीम जी ने आज कहा, आज एक्चुअल में उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने ठाकुर से क्या कहा कि सा दिखा दे, मैं देख रहा था, अपने को तो सा भी नहीं पता है, अपने को तो यह भी नहीं मालूम कि सा क्या होता है, लेकिन पिछले 35 सालों से झेल रहे हैं बाबा, पिछले 35 अब तक निभा रहा है कृपा नहीं तो, खाटू बुला रहा है कृपा नहीं, कोई अंबानी को कभी एक नंबर बोल देता, कोई अडानी को कभी, आगे पीछे होते रहते इनकी वैल्यू शेयर मार्केट में अप डाउन होती रहती है, कोई एक नंबर कोई दो नंबर ठीक है, लेकिन मैं बताऊं श्याम प्रेमी जो है ना वो अपने आप को इनसे ऊपर मानते हैं, दौलत नहीं हमारे पास उतनी, हमारे पास करेंसी नहीं है, हमारे पास बैंक है, उन लोग को तो चेक काटना पड़ता है, आरटीजीएस करना पड़ता है, हमें वो भी नहीं करना पड़ता। मैं इस दरबार की सच्चाई बताऊं,
एक कहावत थी कि थाली अगर सामने रखी है तो पेट में भोजन डालने के लिए हाथ उठाकर मुंह तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन श्याम ने कई चमत्कार ऐसे दिखाए कि थाली में हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, पेट भर दिया बाबा। अब तक निभा रहा है कृपा नहीं तो क्या है, खाटू बुला रहा है कृपा नहीं तो क्या। बोल सांचे दरबार की। आइए प्रेम में दो भजन मेरी तरफ से, एक भजन आइए चार लाइनें, उसके बाद में हमारे चौधरी साहब बोल रहे हैं कि ये मूछों वाले हैं ना, तो मूछों वाली मूछों वाला एक भजन। श्याम प्रेमी की परिभाषा क्या है बताओ। हर महीने खाटू जाते हो, श्याम प्रेमी हो। मैं बताऊं श्याम प्रेमी की परिभाषा क्या है। असली श्याम प्रेमी वो है, हो चाहे लाख मुसीबत, हो चाहे लाख मुसीबत आए, हो चाहे लाख मुसीबत आए, वो डरता कभी नहीं। कौन श्याम प्रेमी? कौन? अरे जोर से बोलो कौन। ओ चाहे लाख मुसीबत आए, ओ चाहे लाख मुसीबत आए, वो डरता कभी नहीं। जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं, जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं। चाहे लाख मुसीबत, चाहे लाख मुसीबत आए, वो डरता कभी नहीं। चाहे लाख मुसीबत आए, वो डरता कभी नहीं। जो श्याम भरोसे चलता है वो डरता कभी नहीं, जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं। रिंकु भाई सच्चाई है तो तालियां बजाना। एक बार तालियां सुनाओ श्याम प्रेमी। तूफान सर पे खड़ा है, क्या होता है? तालियां बजा। विपरीत समय जब आता दिल छटपट छटपट करता, विपरीत समय जब आता दिल छटपट छटपट करता, तब श्याम प्रेमी क्या करता है? वो जोत जगा बाबा की, सिर श्याम श्याम ही रखता, वो जोत जगा बाबा की, सिर श्याम श्याम ही रखता। और मेरा बाबा क्या करता है? एक पल में सुनाई, ओ एक पल में सुनाई होती, एक पल में सुनाई होती, वो हारा कभी नहीं। जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं, जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ए खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ए खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। Yeah.
जब भी घिर जाता मन को तब कुछ ना भाता, संकट जब भी घिर जाता मन को तब कुछ ना भाता, बाबा के दर पर जाकर अश्वन की धार बहाता, बाबा के दर पर जाकर अश्वन की धार बहाता। इकबाल भी माता इकबाल बीमा का उसका, इकबाल बीमा का उसका देखा होता कभी नहीं, जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं, जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं। चल पड़ा है, चल पड़ा है वो लीले घोड़े वाला, देखो चल पड़ा है, चल पड़ा है, चल पड़ा है, चल पड़ा है वो लीले घोड़े वाला, देखो चल पड़ा है। शिव श्याम बहादुर ध्यावे, मन चाहा फल वो पावे, शिव श्याम बहादुर ध्यावे, मन चाहा फल वो पावे, घनश्याम गाड़िया हरदम जीवन भर मौज उड़ावे, घनश्याम गाड़िया हरदम जीवन भर मौज उड़ावे। श्री श्याम कृपा से, श्री श्याम कृपा से नैया वो डूबे कभी नहीं, श्री श्याम कृपा से नैया वो डूबे कभी नहीं, जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं, जो श्याम भरोसे चलता है वो रुकता कभी नहीं। आइए प्रेमियों, ये भजन सबका सुना हुआ ओम प्रकाश जी की विशेष फरमाइश पर, ये मेरी तरफ से आखिरी पुष्प बाबा के चरणों में, और उसके बाद जाना नहीं है। मेरा छोटा भाई शुभम ठकरान बाबा के दरबार में अर्जी लगाएंगे। आइए मोछा की मरोड़ एको रोब है निराला, मोछा की मरोड़ ऐसो रोब है निराला, घूंघर हाड़ा बाल मारो सांवरो रुखाड़ा, घूंघर हाड़ा बाल मारो सांवरो रुखाड़ा, लीले की टाप टप, लीले की टाप टप, लीले की टाप टप टप खड़के, लीले की टाप टप टप खड़के, आयो आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के आयो, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के। केसरिया है बागो जहाँ पे फेंटो पचरंगो, केसरिया है बागो जहाँ पे फेंटो पचरंगो, मोर पंख जयपुरी रुमाल है सुरंगो, मोर पंख जयपुरी रुमाल है सुरंगो, मुलक निहारू तन्ने, मुलक निहारू तन्ने जीव भर के, मुलक निहारू तन्ने जीव भर के, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार।
बैल पे चढ़ के लीला रे मन श्याम सुमिला दे, लीला रे मन श्याम सुमिला दे तो छम छम अरे छम छम कर तो बेगोआ श्याम धनी ऐसा गैला अरे छम छम कर तो बेगोआ श्याम धनी ने लीला रे 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 वीर हनुमान के निशान एक हाथ में वीर हनुमान के निशान एक हाथ में पवन कुमार सोवे सांवरे के साथ में पवन कुमार सोवे सांवरे के साथ में देख के सवारी अंग अंग फड़ के देख के सवारी अंग अंग लियो सरकार लीले पे चढ़ के आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के सांवलियो सरकार बेगा आवो थारी है दरकार बेगा आओ सांवलिया सरकार बेगा आओ तरसावो थारी है दरकार बेगा आवो सांवलिया सरकार बेगा आवो थारी है दरकार बेगा आवो बहादुर शिव आरती उतारे श्याम बहादुर शिव आरती उतारे अरज गुजारे बाबा तन मनवारे अरज गुजारे बाबा तन मनवारे आ गयो दयालु दाता आ गयो दयालु दाता दया करके आ गयो दयालु दाता दया आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के लीले पे चढ़ के यो घोड़े पे चढ़ के आयो 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 सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ के बोल सांचे दरबार की ऐसी जयकार बोल खाटू नरेश की नहीं ये जयकार नहीं कृपा वाली जयकार कम कृपा है कम जयकार फुल कृपा है फुल जयकार हारे के सहारे की बालाजी महाराज की सीताराम जी हनुमान जी की।